चैनल और कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप में से काफी लोग मुझे पूछ रहे कि मैंने आफ्टर डिलीवरी अपना पेट कम कैसे किया, पेट अंदर कैसे किया, ये मैं बताओ। अभी बहुत सारे मुझसे नए लोग जुड़े तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे, तो उन्होंने मेरे पहले के वीडियोस देखे नहीं, इस वजह से उनको पता नहीं कुछ चीजें। लेकिन मैंने उस टाइम पे कुछ बातें ब्लॉग में बोली थी लेकिन प्रॉपर वीडियो नहीं था, इस वजह से उनको वो सब वीडियो ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्रॉपर वीडियो बना के आपको बताऊं कि मैंने पेट कम कैसे किया। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब मेरी डिलीवरी होगी, मैं घर पर आई थी, मतलब 7 जुलाई को मेरी डिलीवरी हुई और 9 तारीख को मैं दोपहर को या शाम को घर पर आई थी। तो उसी टाइम पे मेरे घर वालों ने मुझे फोन करके बोला था, मतलब कि जब नॉर्मली बात होती थी तो उन्होंने बोला था कि पेट को कपड़ा बांध के रख, अगर हम कपड़ा बांध के रखे तो हमारे पेट को हवा नहीं लगती, और अगर हवा नहीं लगती है तो हमें मतलब ये नहीं होता है, हमारा पेट बाहर नहीं आता है। तो इस वजह से फिर मैं कपड़ा बांध के रखती थी। एक्चुअली क्या था, मेरे पास और कोई नहीं था परी को संभालने के लिए या फिर मेरी टेक केयर करने के लिए, और कोई नहीं था। तो मुझे खुद अपना भी ख्याल रखना था, परी का भी ख्याल रखना था, घर भी संभालना था डिलीवरी के बाद तुरंत। तो इस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कपड़ा बांध के रखूँ। एक तो मेरा परी आपको पता है कि मेरी पहली बेबी है, तो मुझे अनुभव भी नहीं था, तो इस अकॉर्डिंग मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या करूँगी एक टाइम पे। फिर उस टाइम पे मैं मुझे जब घर वालों ने बोला कि कपड़ा बांध के रख, तो मैंने एक दो दिन किया ऐसा, लेकिन वो पूरा दिन नहीं कर पाई मैं। तो मैंने क्या किया, हाई हिप्स वाले लेगिंग्स लिए, लेगिंग्स अंडरवेयर लिए हाई हिप्स वाले, जिससे कि होता ये था कि हमारा पेट अपने आप दबा रहता है। तो आप भी ये कर सकते, अगर आपको अपना पेट अंदर करना है तो उसके लिए आप हाई हिप्स वाले लेगिंग्स लीजिए, जीन्स पहनिए, उससे क्या होता है हमारा पेट दबता रहता है। जिसमें कहा मैंने अंडरवेयर्स भी लिए थे, तो वहाँ पे थाईलैंड में मुझे मिले थे, यहाँ पे भी आप थोड़ा सर्च कीजिए मिल जाएंगे। तो अब देखिए, मेरे पेट के ऊपर एक अंडरवेयर का लेयर था, फिर उसके बाद हाई हिप्स के जो लेगिंग्स है जिससे उसका लेयर रहता था, तो उस वजह से मेरा पेट अच्छा खासा दबता रहा था, उसको हवा नहीं लगी, और मेरे पेट को हवा नहीं लगी इस वजह से मेरा पेट बाहर नहीं आया। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप बेल्ट लगा कर रखिए या फिर कपड़ा बांध के रखिए। अगर आप मतलब आराम करते हो, आप कपड़ा बांध सकते हो तो एकदम टाइट कपड़ा बांधिए। मेरे बहन ने भी वो किया था, एकदम टाइट कपड़ा बांध के रखिए, जैसे कि स्कार्फ रहता है या दुपट्टा रहता है, वो आप बांध के रखेंगे ना, जब स्टार्टिंग में आप ये करते हो ना, तो उस टाइम में आपका पेट बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि आपके पेट को हवा नहीं लगती इस वजह से। तो आप वो कर सकते, अगर आपकी डिलीवरी होके बहुत टाइम हो चुका है, अभी बहुत आगे आप बढ़ चुके, मतलब 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल हो चुका है, तो आप अभी भी ये कोशिश कीजिए कि आप टाइट कपड़ा बांध के रखिए। अगर आप साड़ी पहनते हो तो जो आपकी नाभि उसके ऊपर पहने, जिस वजह से वो दबा रहेगा। या मैंने जैसे कहा कि आप हाई हिप्स वाले अंडरवेयर पहनिए, या अगर आप जीन्स पहनते हो तो जीन्स वेयर कीजिए, लेगिंग्स ऐसे लीजिए जो हाई हिप्स वाले हो। तो मेरा जो आफ्टर डिलीवरी मैटरनिटी शॉपिंग हॉल है, पार्ट 2 वाला होगा शायद, मैंने पार्ट 1 मतलब डिलीवरी के पहले किया था और पार्ट 2 वाला डिलीवरी के बाद किया था। तो आप उसके लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे रही हूँ, आप वहाँ पे जाके देखिए मैंने किस तरह से कपड़े लिए थे। उसमें मैंने ये कोशिश की थी कि मेरा जो पेट वो अंदर है, उस अकॉर्डिंग मैंने हाई हिप्स वाले ये लिए थे, अंडरवेयर्स लिए थे, देन जो मेरे टॉप वगैरह लिए थे वो भी मुझे ऐसे लिए थे कि जिससे मैं मेरे बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाऊँ। तो वो वाले जो टॉप मैंने वहाँ पे लिए थे थाईलैंड में, वो यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलते, मैंने सर्च करके देखा है। बट हाँ, वैसे लेगिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा भी सर्च करते हैं तो आप उस तरह से कपड़े लीजिए जिससे कि आपका पेट अंदर जाएगा, और मैंने वही किया था। इस वजह से मेरा पेट बिल्कुल बाहर नहीं है। जब मैं थाईलैंड से यहाँ पे आई और अभी मेरे रिलेटिव से सबसे मिली, तो सब लोग मुझे ये बोल रहे थे कि तुम लगता नहीं है कि तुम एक बच्चे को लेकर आई हो साथ में, मैं जैसी थी वैसे ही हो गई हूँ। इसी वजह से वजन तो इस वजह से कम हुआ, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से काम कर रही थी, इस वजह से। जैसे कि आप लोग मुझे पूछते रहते कि आपने अपना आफ्टर डिलीवरी वेट लॉस कैसे किया, तो मैंने एक दो बार पहले भी बताया, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि अगर आप कोई नए लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप फिर वही क्वेश्चन करेंगे कि आपने अपना वेट लॉस कैसे किया। तो जब मेरी डिलीवरी हुई, उसके पहले दिन से मैंने अपने बेबी को अकेले संभाला, पूरा घर को अकेले हैंडल किया, मतलब राज थे मेरे साथ, बट क्या है उनको पूरा टाइम बाहर रहना पड़ा, परी के डॉक्यूमेंट के चक्कर में वो बाहर घूम रहे थे, मतलब उनको जाना पड़ा। इस वजह से मुझे अपना ख्याल भी खुद ही रखना पड़ा, अपने लिए खाना तक मैं खुद बना के खाती थी, और जिस टाइम पे खाना नहीं मिलता था उस टाइम पे मैं और परी हम दोनों भूखे रहती थी, क्योंकि परी ब्रेस्ट फीडिंग पे थी इस वजह से। तो इस वजह से मेरा फिर काम करके वेट लॉस हो गया। और पेट कम के लिए मैंने यही किया था कि मैंने हाई हिप्स वाले लेगिंग्स और वो पहने थे। अगर आप मेरे पीछे की जाके ब्लॉग देखेंगे ना, जब परी हुई उस टाइम के,
तो आप उस टाइम पे आप देखिए मोस्ट ऑफ टाइम पे मेरे जो लेगिंग्स पहने हुए हैं या शॉर्ट्स पहने ना वो मेरे हाई हिप्स वाले थे, तो आप वो वाले ब्लॉग जाके देख सकते जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि मैंने किस तरह से लिए थे लेगिंग्स वगैरह। और जैसे मैंने कहा कि मैटरनिटी शॉपिंग हॉल का जो ब्लॉग मैं यहाँ पे आई बटन पे दे रही हूँ, तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से ये लिए थे, हाई हिप्स वाले पैंट्स लिए थे। तो बस मैंने इस तरह से अपना पेट कम किया और कुछ भी नहीं किया जिसके लिए कुछ रेमेडीज करनी चाहिए होती हो, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इतना किया क्योंकि अगर आप पेट में स्टार्टिंग में दबा के रखते हो तो उस वजह से आपके पेट को हवा नहीं लगती, अगर हवा ही नहीं लगेगी तो वो बाहर नहीं आता, ऐसे मेरे घर वालों ने मुझे कहा था। इस वजह से मैंने ये किया क्योंकि मेरे घर में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरी नानी ने मुझे बताया था और मेरी नानी को 6 बेटियां हैं, तो मेरी नानी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देन उसके बाद मेरे जो 6 मौसी है, मतलब 5 मौसी है, उन सब ने मुझे एक एक बताई बात, तो उस अकॉर्डिंग में मुझे ये पता चला था, इसलिए मैंने वही फॉलो किया और इस वजह से मेरा पेट बिल्कुल भी बाहर नहीं। तो आप भी ये कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप भी कुछ भी रिक्वेस्ट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।